हेलो, आज के क्लास में स्टडी करेंगे इंडक्शन मोटर। ठीक है, इंडक्शन मोटर में इसका कंस्ट्रक्शन देखते हैं। कंस्ट्रक्शन में इसमें दो पार्ट आएगा, एक पार्ट आएगा आपका स्टेटर और सेकेंड पार्ट आएगा आपका रॉड। ठीक है, स्टेटर जो है थ्री फेज का वाइंडिंग इस पर रहता है। ओके, थ्री फेज का वाइंडिंग जनरली इसका कंस्ट्रक्शन जो है कंस्ट्रक्शन सिंपल रहता है, सिंपल इन डिजाइन। नेक्स्ट है कि डस्ट या फिर स्ट्रॉन्ग बॉडी का रहता है जिसे कि रफ एंड टफ इसको यूज में ले सकते हैं। तीसरा यहाँ पे कि चीप इन कंस्ट्रक्शन। फोर्थ यहाँ बात करें कि आसानी से यूज कर सकते हैं चूंकि यह एसी पे काम कर रहा है। अगर डीसी से कंपेरिजन करें तो एसी पे काम कर रहा है, सप्लाई हमारा एसी ही है तो आसानी से इसको हम यूज कर सकते हैं। हमें डीसी मोटर, अगर इसके कंपेरिटर में कौन सा है, डीसी मोटर में हमें कन्वर्ट नहीं करना पड़ेगा क्योंकि सप्लाई जो हमारे घर में आता है एसी है या इंडस्ट्री में आता है एसी है, तो इसको फ्लेक्सिबल यूज में हम इसको यूज में ले सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट में कि कांस्टेंट स्पीड पर ए भी रन कर सकता है, जस्ट लाइक संट मोटर, डीसी संट मोटर तो कांस्टेंट स्पीड पर ए भी रन कर सकता है, तो दोनों सही है। लेकिन चूंकि डीसी मोटर को डीसी चाहिए इसीलिए हम यहाँ पे एसी मोटर यानी कि इंडक्शन मोटर को ज़्यादा प्रीफर करते हैं। ठीक है, और इसमें अगर मीडियम टॉर्क हमें चाहिए, मीडियम टॉर्क, तो उसके लिए यहाँ पे सबसे बेस्ट है यहाँ पे इंडक्शन मोटर। ठीक है, हाई टॉर्क चाहिए तो उसके लिए सीरीज मोटर, ठीक है, डीसी सीरीज मोटर। और मीडियम टॉर्क में भी अगर स्टार्टिंग टॉर्क हमें हाई चाहिए तो हमारे पास दो तरह के रोटर होंगे। एक रोटर होंगे स्क्वायर केज और सेकेंड जो होंगे यहाँ पे स्लिप रिंग या वॉन टैग। ठीक है, स्क्वायर केज में जो टॉर्क होंगे ये मीडियम होंगे ऑल द टाइम, जबकि स्लिप रिंग में हमें एक्सटर्नल रेसिस्टेंस हम यूज कर सकते हैं, तो इसमें हमें स्टार्टिंग टॉर्क हाई ले सकते हैं और बाद में रनिंग टॉर्क नॉर्मल जो स्पीड पर हमें चाहिए उस पर हम इसको रख सकते हैं अगर रेसिस्टेंस को हम यहां पे हटा दें। ठीक है, स्टेटर पार्ट ये तो कॉमन सा पॉइंट है कि ये स्टेटर का पार्ट है, ये आपका स्टेशनरी पार्ट है। स्टेटर मतलब स्टेशनरी होता है, रुका हुआ पार्ट, और रोटर का पार्ट यानी कि रोटेटिंग ये मूविंग पार्ट होता है। जो इनपुट है इसमें यहां पे स्टेटर पे देंगे, स्टेटर पे देंगे जो कि यहां पे थ्री फेज के लिए रहेगा। तो थ्री फेज में अगर देखें तो यहाँ पे वाइंडिंग, इस पर थ्री फेज का वाइंडिंग करें, मान के चलिए ये आर फेज है, तो आर फेज का फर्स्ट वन इंड है, दो इंड रहेगा वायर का वाइंडिंग का। ये आर फेज यहाँ से स्टार्ट हुआ, कहीं ना कहीं ये इंड होगा, मान के चलो आर फेज का इंड पॉइंट यहाँ पे आर टू। ठीक है, नेक्स्ट अगर आएगा वाई फेज, वाई फेज अगर यहां पे स्टार्ट हुआ है तो यहां से स्टार्ट होगा इस ढंग से,
और वाई फेज यहाँ पे इंड होगा, सेकेंड पार्ट यहाँ पे आएगा। सिमिलर वे पे, सिमिलर वे में बी फेज जहाँ पे स्टार्ट हुआ तो यहाँ से बी फेज यहाँ पे इंड हो, ठीक है। अब इस स्टार्टिंग को जो वाइंडिंग्स है जहाँ पे हमें सप्लाई देंगे, तो इसको हम स्टार या फिर डेल्टा कनेक्शन जिसमें भी हमें कनेक्ट करना है उसके अनुसार हम कनेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। अगर स्टार कनेक्शन में कनेक्ट करना है तो हम क्या करेंगे, स्टार कनेक्शन में तीनों वाइंडिंग जो रहेगा उसका एक एंड को हम आपस में कनेक्ट कर देते हैं और उसको न्यूट्रल कनेक्ट कर देते हैं। जैसे कि आर टू को हमने कनेक्ट कर दिया वाई टू से, इससे वाई टू से, और इससे कनेक्ट कर दिया इसको बी टू से, और सभी को हम क्या कर देंगे यहाँ पे न्यूट्रल पॉइंट यहाँ पे दे देंगे, ठीक है। तो न्यूट्रल पॉइंट देंगे तो ये क्या हो जाएगा, न्यूट्रल पॉइंट यहाँ पे डेल्टा स्टार कनेक्शन यहाँ पे हो जाएगा। स्टार कनेक्शन कहाँ यूज करते हैं, जहाँ पे स्टार कनेक्शन का कैरेक्टरिस्टिक है पता है कि लाइन वोल्टेज इज इक्वल टू रूट थ्री टाइम्स फेज वोल्टेज, ठीक है। यानी कि मान के चलो कि लाइन वोल्टेज 400 वोल्ट है तो फेज वोल्टेज वहाँ पे 230 वोल्ट ही रहेगा, जिसमें हमें अगर वाइंडिंग पर एक वाइंडिंग पर कम वोल्टेज चाहिए, ठीक है, कम वोल्टेज चाहिए तो इसका मतलब कम नंबर ऑफ टर्न्स हमें रिक्वायर्ड होगा। तो कम वोल्टेज चाहिए एक वाइंडिंग पे तो वहाँ पे हम यूज करेंगे स्टार कनेक्शन, ठीक है। और जहाँ पे हमें कम करंट चाहिए वाइंडिंग में, थिकनेस अगर ज़्यादा नहीं रखना है, कम करंट चाहिए, तो वहाँ पे हम यूज करेंगे डेल्टा कनेक्शन। अगर मान के चलो पावर रेटिंग सेम है, पावर रेटिंग दोनों का अगर सेम है लेकिन फेज वोल्टेज अगर इसमें कम चाहिए, अगर इसमें भी लाइन वोल्टेज अगर 400 वोल्ट का लाइन वोल्टेज है VL, तो फेज वोल्टेज में क्या हो जाएगा 400 वोल्ट ही रहे। तो इसमें फेज वोल्टेज कम है तो यहाँ पे फेज करेंट यहाँ पे क्या हो जाएगा, ज़्यादा हो जाएगा। और अगर यहाँ पे अगर बात करेंगे इस कंडीशन में डेल्टा कनेक्शन में, तो फेज वोल्टेज यहाँ पे ज़्यादा है, फेज करंट यहाँ पे डिवाइड हो जाएगा IL डिवाइडेड बाई रूट थ्री यहाँ हो जाएगा। तो यहाँ पे करंट जो होगा ये आपका कम हो जाएगा, ठीक है। तो इसके अनुसार हम डिजाइन कर सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट में आएगा कि इंडक्शन मोटर के, थ्री फेज इंडक्शन मोटर के स्टेटर डिजाइन इज सिमिलर टू सिंक्रोनस जनरेटर, यानी कि अल्टरनेटर स्टेटर डिजाइन, ठीक है। यानी कि दोनों का स्टेटर डिजाइन एक जैसा ही रहता है। ओके, नेक्स्ट इसमें बात करेंगे कि जो स्टेटर का कंस्ट्रक्शन पार्ट हम देख रहे हैं, तो स्टेटर में वाइंडिंग करेंगे, वाइंडिंग करना है तो हमें क्या रखना पड़ेगा, स्लॉट्स रखना पड़ेगा। वाइंडिंग कहाँ पे प्लेस होगा, एक स्लॉट्स में प्लेस होगा, ठीक है। और स्लॉट्स में प्लेस होगा तो जहाँ वाइंडिंग रहेगा तो उसमें ईडी करंट लॉसेस भी होगा। अगर ईडी करंट लॉसेस को हमें मिनिमाइज करना है तो स्टेटर का जो कोर मटेरियल है, कोर मटेरियल ऑफ स्टेटर, उसको किससे बनाना पड़ेगा, इसको भी सिलिकॉन स्टील से बनाना पड़ेगा। सिमिलर डैक ट्रांसफार्मर कि अगर हमें ईडी करंट लॉसेस को कम चाहिए तो यहाँ पे हमें सिलिकॉन स्टील यूज करना पड़ेगा जिसमें 3% के आसपास सिलिकॉन यहाँ पे रहे। नेक्स्ट पॉइंट अगर बात करें कंस्ट्रक्शन में स्टेटर का, कि नंबर ऑफ स्लॉट्स डिपेंड्स अपॉन नंबर ऑफ पोल्स,
नंबर ऑफ स्लॉट्स डिपेंड्स अपॉन नंबर ऑफ पोल्स, और नंबर ऑफ पोल्स क्या है वो डिपेंड किस पर करेगा, ऑपरेटिंग स्पीड ऑफ द मोटर। ठीक है, कितना स्लॉट चाहिए डिपेंड करेगा नंबर ऑफ पोल्स पे, और नंबर ऑफ पोल्स डिपेंड्स ऑन ऑपरेटिंग स्पीड ऑफ मोटर। ठीक है, यह हमें पता है पी इंटू एन एस इज इक्वल टू 120 F। फ्रीक्वेंसी अगर 50 हर्ट्ज का सप्लाई के लिए है तो अगर पोल्स डिपेंड करेगा यहाँ पे स्पीड पे, ऑपरेटिंग स्पीड, अगर सिंक्रोनस स्पीड है पता है तो उसी के आसपास रोटेटिंग स्पीड यहाँ पे मोटर का रहेगा। मान लीजिए कि सिंक्रोनस स्पीड 1500 है तो रोटेटिंग स्पीड ऑलमोस्ट 1450 से 1490 के बीच में रेंज रहेगा। तो अगर रोटेटिंग स्पीड हमें पता है तो हमें इससे सिंक्रोनस स्पीड पता होगा, और उससे सिंक्रोनस स्पीड पता है तो यहाँ पे नंबर ऑफ पोल्स पता होगा। ठीक है, अगर 50 हर्ट्ज का सप्लाई है तो 120 इंटू 50 कितना हो जाएगा 6000, और 6000 जब हो जाएगा तो उससे हम यहाँ पे निकाल सकते हैं P इज इक्वल टू 6000 डिवाइडेड बाय ऑपरेटिंग स्पीड। ठीक है, 1500 अगर रखना चाहते हैं 1500 तो यहाँ पे पोल्स कितना हो जाएगा, नंबर ऑफ पोल्स यहाँ पे 4 हो जाएगा अगर फ्रीक्वेंसी 50 हर्ट्ज पे हम इसे ऑपरेट करना चाहते हैं। ठीक है, जो पोलरिटी होगा जो पोल्स में डिसाइड होगा वो डिसाइड होगा कि किस ढंग से हमने वाइंडिंग किया है। ठीक है, वाइंडिंग यहाँ पे जैसे क्रॉस होता है, क्रॉस इसका मतलब जो करंट अंदर की तरफ जा रहा है तो यहाँ पे क्रॉस, और डॉट है यहाँ पे बाहर की तरफ हमारे तरफ जो आ रहा है वहाँ पे डॉट कन्वेंशन। अगर इसको रिवर्स चेंज कर देंगे तो पोलरिटी उसके अनुसार रिवर्स चेंज हो जाएगा। तो डिपेंड करेगा कि डॉट एंड क्रॉस कन्वेंशन। ठीक है, इसको डिटेल में और आगे देखेंगे कि डॉट एंड क्रॉस कन्वेंशन क्या है। तो डॉट एंड क्रॉस कन्वेंशन पे यहाँ पे डिपेंड करेगा कि किस डायरेक्शन में पोल्स है। मान के 4 पोल्स हमने डिजाइन किया तो 4 पोल्स किस डायरेक्शन में होगा उस पर डिपेंड करेगा। ओके, थैंक यू।